आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोलीनेशन। ये आप पोलीनेशन दखरिया वक्रिया टाइप्स कंडीशनस जिन्हों की वजह के नो पोलीनेशन अक्कर होंगी है फ्लार के बारे डिटेल पढ़ा। सब तो पहला आप पढ़ा सैल्फ पोलीनेशन। सैल्फ पोलीनेशन का दूजा नाम है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी ये की होंगे ऑटो मतलब सैल्फ सेम सेम दे विच फ्यूजन होनी दो एहोजी गैमीट जिहड़े सेम प्लांट दे नाल बिलोंग करते हो उन्हां दे विच फ्यूजन होनी। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सपोज जे साडे कोल एक ही फ्लावर आ, ठीक है, सपोज साडे कोल एक फ्लावर है, ये विच ही जिहड़े आ दोनों गैमेट्स ने मेल एंड फीमेल गैमेट वो वाले पोलीनेशन असीं जे सेम फ्लावर दे एंथर और सेम फ्लावर दा जिहड़ा ओव्यूल्स आ वो फ्यूज होंगे तो असीं उन्हूं कहांगे सैल्फ पोलीनेशन है। ठीक है, सैकेंड साडे कोल आ क्रॉस पोलीनेशन। क्रॉस पोलीनेशन जिहदा आ उहदा नाम है दूजा एलोगैमी। एलोगैमी ठीक है, इहदे विच की होना है जिहड़े पोलन ग्रेन्स आ ते जिहड़े साडे कोल किसी दो वक्रे वक्रे प्लांट जिहड़े आ दो वक्रे वक्रे प्लांट्स दे विच सपोज साडे कोल आ एक प्लांट है, ठीक है, एक ए वाला प्लांट है, इहदे फ्लावर दे सपोज इहदे फ्लावर दे पोलन होन एंड इहदे फ्लावर दा जिहड़ा फीमेल पार्ट होए ये पोलन जिहड़े आ वो ट्रांसफर होणगे एक फ्लावर तो दूजे फ्लावर दे विच उहनूं असीं कहांगे क्रॉस पोलीनेशन। एंड थर्ड इज़ जैटिनोगैमी। जैटिनोगैमी दे विच की हुंदा आ इहदे विच दो वक्रे वक्रे फ्लावर इनवॉल्व नहीं हुंदे सपोज कि आ सेम प्लांट है सेम प्लांट दे दो वक्रे वक्रे फ्लावर एक ही फ्लावर ते सॉरी एक ही प्लांट ते दो वक्रे वक्रे फ्लावर आ ते उन्हां दा आपस दे विच जिहड़ा ट्रांसफर हुंदा पोलन दा, ठीक है, दोनों फ्लावर दे विच इहदे च डिफरेंस की आ। देखो सैल्फ दे विच आपां देखिया कि एक ही फ्लावर इनवॉल्व हो रहा, एक प्लांट दा एक ही फ्लावर इनवॉल्व हो रहा सी, क्रॉस दे विच दो वक्रे वक्रे प्लांट दे फ्लावर इनवॉल्व हो रहे आ। एंड जैटिनोगैमी दे विच हुण मेन डिफरेंस की आ कि ये जनैटिकली सेम है, जनैटिकली सेम होएगा ये वाला जिहड़ा प्लांट होएगा, तो इहदे विच हुण असीं ये नहीं कह सकते कि ये क्रॉस है या सैल्फ आ, ये क्रॉस भी आ ते सेल्फ भी है, इस करके इहनूं एक वक्री कैटेगरी दे विच रख लैंदे हां जिहनूं आपां कह दिंदे हां जैटिनोगैमी। नैक्सट आपां डिटेल करांगे सब तो पहलां सैल्फ पोलीनेशन दी। सैल्फ पोलीनेशन दे विच असीं पहलां देखांगे कि कीड़ियां कीड़ियां कंडीशनज आ जिन्हां दा होणा जरूरी आ सैल्फ पोलीनेशन होण वास्ते। फस्ट कंडीशन इज़ बाईसैक्सुअलिटी। और हरमैफ्रोडाइट होना मतलब दोनों गैमेट्स का एक ही फ्लावर दे विच होना जिहड़ा इट शुड बी नेसेसरी फॉर सेल्फ पोलीनेशन। सैकेंड कंडीशन इज होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब आ कि जिहड़े भी साडे कोल स्टेमन एंड कारपल्स ने स्टेमन एंड कारपल मैच्योर एट सेम टाइम। जे इन्हां दोनों का मैचुरेशन टाइम वक्रा वक्रा होएगा तो सैल्फ पोलीनेशन होना इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज जदों एक गैमीट मैच्योर हो गया सपोज जे दूजा इमैच्योर आ तो वह फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी प्रोसैस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इस करके सैल्फ पोलीनेशन लई होमोगैमी का होना बहुत जरूरी आ। होमोगैमी मीनस स्टेमन ते कारपल का मैच्योर होना सेम टाइम ते। थर्ड कंडीशन इज क्लिस्टोगैमी।
कैलिस्टोगैमी मतलब फ्लावर जिहड़ा आ दैट शुड नैवर ओपन, वो कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। देखो जे इन तिना कंडीशन दे विच ए भी हो सकती है, ए भी ते ए भी। कैलिस्टोगैमी की आ, जे फ्लावर ओपन हुंदा आ ते उहदे विच क्रॉस पोलीनेशन दे चांसिस जिहड़े आ वो वध जांदे आ, बट जे फ्लावर क्लोज रहिंदा आ ओपन नहीं हुंदा तां उहदे विच सैल्फ पोलीनेशन दे चांसिस जिहड़े आ वो ऑलमोस्ट 100% हुंदे आ। ठीक है, इस करके कैलिस्टोगैमी फ्लावर विच नैवर ओपनस, फ्लावर विच नैवर ओपनस अप। इहदे एग्जाम्पल्स आ जांदी है ऑक्सैलिस, लिलीएसी फैमिली का ये प्लांट। इहदे विच हुण एक कंडीशन है कि साडे कोल कई इहो जिहे फ्लावर भी हुंदे आ, कई इहो जिहे प्लांट हुंदे आ जिन्हां दे विच दो तरहां दे जिहड़े फ्लावर आ पाए जांदे आ, कि उन्हां दे विच सैल्फ भी हो सकदी आ ते क्रॉस भी हो सकदी आ पोलीनेशन। इहदे विच असीं एक केस देखांगे, एग्जाम्पल आ कोमलिना। कोमलिना जिहड़ा प्लांट आ उहदे विच साडे कोल दो तरहां दे फ्लावर होणगे। सपोज कि साडे कोल ग्राउंड लैवल आ इत्थे, ठीक है, इहदे जिहड़े कुछ फ्लावर्स हुंदे ने, ठीक है, वह अंडरग्राउंड हुंदे ने। सपोज कि इत्थे कोई फ्लावर होए हो अंडरग्राउंड होए, तो यह वाला जिहड़ा फ्लावर आ साडे कोल इह साडे कोल एयर दे विच आ। हुण इह वाला जिहड़ा फ्लावर आ इट इज़ चैज़मोगैमस। चैज़मोगैमस फ्लावर वह हुंदे जिहड़े ओपन हो जाते हैं, ठीक है, कैलिस्टोगैमस दे ओपोजिट हुंदे आ चैज़मोगैमस। जिहड़ा कोमलिना आ उहदे विच दो तरह दे फ्लावर पाए जाते हैं, चैज़मोगैमस एंड कैलिस्टोगैमस। जिहड़ा कैलिस्टोगैमस होएगा उन्हें ओपन नहीं होना, जे ओपन हो भी जाएगा तो सॉयल दे अंडर पोलीनेशन होना इज़ क्रॉस पोलीनेशन होना इज़ डिफिकल्ट, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इस करके कैलिस्टोगैमस फ्लावर जिहड़े होणगे उहदे ओह अंडरग्राउंड होणगे, एंड जिहड़े चैज़मोगैमस होणगे ओह एयर दे विच होणगे। इस करके इहदे च दोनों तरह दे जिहड़े आ फ्लावर आ ओह कोमलिना दे विच पाए जांदे आ। हुण साडे कोल इक इत्थे होर कंडीशन आ, एक होर स्पैशल केस जिहड़ा आपां ऑब्जर्व कर लैंदे आ। एग्जाम्पल आ इत्थे आपां इह सैल्फ पोलीनेशन दा ही करदे पए आ, हेलीएंथस दी। हेलीएंथस जिहदा कॉमन नेम आ सनफ्लावर, सूरजमुखी, ठीक है। सनफ्लावर दे विच की हुंदा आ कि जिहड़ा नॉर्मल कंडीशनज आ उन्हां दे विच क्रॉस पोलीनेशन हुंदी है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशनज जिहड़ियां हुंदियां ने, इन नॉर्मल कंडीशनज क्रॉस पोलीनेशन हुंदी है, ठीक है। बट किसी वेले क्रॉस पोलीनेशन जिहड़ी आ उह फेल हो जाती है। जे क्रॉस पोलीनेशन फेल हो जाएगी तो उस केस दे विच साडे कोल सैल्फ पोलीनेशन होएगी, ठीक है। वह सैल्फ पोलीनेशन किवें होनी आ ये आपां देख लैने आ। हुण इहदे विच की आ, ऐ वाला जिहड़ा साडे कोल पोर्शन है, ए वाला ए मेल पोर्शन है, यह जिहड़ा हैगा इट इज़ बाईफिड स्टिगमा। बाईफिड स्टिगमा मीनस ये दो साइड्स नूं जरा डाइवर्ट होया होया झुकया होया। हुण इहदे विच नॉर्मल कंडीशन च आपां कीता है कि वैसे क्रॉस पोलीनेशन हुंदी आ, बट फिर सैल्फ किवें होएगी। उहदे विच जे क्रॉस नहीं हुंदी ते ए वाला जिहड़ा बाईफिड स्टिगमा आ ए रिवर्स हो जांदा है, आ के हौली हौली जिन्नी देर वेट करदा है कि क्रॉस पोलीनेशन होए, जे क्रॉस नहीं हुंदी ते ए वाला जिहड़ा बाईफिड स्टिगमा आ, ठीक है, इन्ने अटैच हो जाणा आ ए वाले मेल पोर्शन दे नाल, ते जदों इत्थे अटैच हो जांदा ते ऑटोमैटिकली जिहड़े पोलन आ ओह इत्थे नाल इहदे अटैच हो जांदे आ, ते ए क्रॉस नहीं हुंदी उस टाइम, ए सैल्फ पोलीनेशन हुंदी। ए स्पैशल केस आ, क्वेश्चन इवें आ सकदा है कि जिहड़ा सनफ्लावर आ उहदे विच जे प्रोटोएंड्री हो जाए या क्रॉस पोलीनेशन ना हो पाए, ठीक है, क्रॉस पोलीनेशन ना हो पाए, तो उन्हां कंडीशन दे विच साडे कोल की हुंदा है, तो असीं ये कहांगे कि
हेलियंथस दे विच जिहड़ा बाइफिड स्टिगमा हुंदा है, क्रॉस पोलीनेशन की एबसेंस दे विच साडे कोल सैल्फ पोलीनेशन जिहड़ी आ उह हो सकदी है इस प्लांट दे विच। उस तो बाद आ गई हाँ कि सैल्फ पोलीनेशन दियाँ कुछ एडवेंटेजिज हैगियाँ ने, एडवेंटेजिज ऑफ सैल्फ पोलीनेशन। ठीक है, यदि पहली हैगी है कि साडे कोल जिहड़े भी पेरेंटल कॉम्बीनेशन हुंदे ने, पेरेंटल कॉम्बीनेशन मतलब जिहड़े पेरेंटल करैक्टर्स हैगे ने, जो भी पेरेंट्स दे करैक्टर आ उह प्रिजर्वड रहिंदे आ, पेरेंटल करैक्टर्स आर प्रिजर्वड। ठीक है, जे ऐस सच ही रहिंदा, जिवें दे पेरेंट्स होणगे उवें दे ही जिहड़े आ ऑफस्प्रिंग आ उह होणगे। ठीक है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एजेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन एजेंट्स। आपां इत्थे एजेंट्स पहलां डिस्क्राइब नहीं किया, नैक्सट जदों आपां क्रॉस पोलीनेशन करांगे तां उहदे च देखांगे कि पोलीनेशन होण वास्ते वेरियस एजेंट्स की लोड़ हुंदी आ, सपोज एयर हो गई, वाटर हो गया, या इनसैक्ट्स हो गए। ठीक है, वो वाले एजेंट्स सैल्फ पोलीनेशन च नहीं चाहिए, इस करके इहदे विच कोई भी एजेंट डिपेंडेंट नहीं हैगी ये वाली पोलीनेशन। एंड इट इज़ द श्योरर मैथड ऑफ पोलीनेशन। श्योरर मैथड क्यों आ, कि इहदे विच पोलीनेशन होनी ही होनी आ। जे आपां एजेंट्स की गल करिए, सपोज कि कोई एयर दे थ्रू पोलीनेट करांगे, आपां इहदी डिटेल अगे करांगे, जे एयर दे थ्रू पोलीनेट करदा पिया कोई फ्लावर, तो जरूरी नहीं आ कि वह एयर उस डेस्टिनेशन तक, उस स्टिगमा तक, उस पोलनस नू लैके ही जावे, जिन्हां केसिस दे विच आपां गल करदे हां कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करदे आ जिहड़े पोलन, उन्हां केसिस दे विच। ठीक है, इस करके जिहड़ा सैल्फ पोलीनेशन आ ये बिल्कुल श्योर मैथड आ कि इहदे करके पोलीनेशन होनी ही होनी है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ कि प्लांट्स जिहड़े आ जिन्हां दे विच सैल्फ पोलीनेशन हुंदी आ, उन्हां दा जिहड़ा एनर्जी दा लॉस आ उह घट हुंदा एज़ कंपेयर टू क्रॉस पोलीनेशन। क्योंकि इकोनॉमिकल क्यों आ प्लांट्स वास्ते, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एनर्जी की लोड़ पेगी जो उन्हें क्रॉस पोलीनेशन करनी है, पोलन की फॉर्मेशन ज़्यादा अबंडेंस विच होगी, बहुत ज़्यादा नंबर होंगे। प्लस वन तुसी पढ़िया होएगा पाइनस दे विच सल्फर शार पढ़िया होएगा, उहदे विच हुण ज़्यादा नंबर ऑफ पोलनस प्रोड्यूस होंदे आ बिकॉज एयर दे थ्रू पोलीनेशन होनी हुंदी है। बट ये जिहड़ा इकोनॉमिक आ प्लांट वास्ते, बिकॉज प्लांट ने जे सैल्फ पोलीनेशन करनी आ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पोलन प्रोड्यूस करन दी कोई लोड़ नहीं हैगी। ठीक है, हुण इन्ने सारियां एडवेंटेजेस होने दे नाल आपां इहदियां डिसएडवेंटेजेस भी देखांगे। डिसएडवेंटेजेस की ने, हुण इहदे विच आपां कहा सीगा कि पेरेंटल करैक्टर जिहड़े आ उह प्रिजर्वड रहिंदे आ, पेरेंटल करैक्टर प्रिजर्व रहिंदे आ, तो ठीक है, बट उहदे नाल की होया कि साडे कोल वेरिएशन नहीं आऊगी, कोई भी वेरिएशन जिहड़ी आ, वेरिएशनस आर नॉट प्रोड्यूस्ड, वेरिएशन जिहड़ियां आ उह प्रोड्यूस नहीं होणगियां जिहड़ियां एवोल्यूशन वास्ते चाहीदियां। आपां प्लस वन च एवोल्यूशन देखिया कि किवें प्लांट किंगडम दे विच एवोल्यूशन होया, किवें एनीमल किंगडम दे विच एवोल्यूशन होया, बिकॉज उहदे विच चेंजेस आउंदियां गईयां हौली हौली। ठीक है, हुण इहदे विच वेरिएशनस प्रोड्यूस नहीं हो रही, जे वेरिएशनस नहीं प्रोड्यूस हो रही तो फिर ये एवोल्यूशन वास्ते इंपॉर्टेंट नहीं आ। ठीक है, हैंस नॉट इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन। उस तो बाद की हुंदा है, सैकेंड साडे कोल पॉइंट है कि जदों बार बार एक ही पेरेंट उहदे वर्गे ही ऑफस्प्रिंग, फिर उहनां दे अगे सेम ऑफस्प्रिंग, मतलब जे बहुत सारियां जनरेशन तक सैल्फ पोलीनेशन हो ही जाती आ, उस केस दे विच जिहड़ा आ उहदा हाइब्रिड विगर आ उह डिक्रीज़ हो जाता है। हाइब्रिड विगर डिक्रीज़। नैक्सट आपां देखांगे क्रॉस पोलीनेशन। क्रॉस पोलीनेशन आपां देखिया कि जे दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट इनवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, दो डिफरेंट प्लांट दे फ्लावर इनवॉल्व हो रहे हैं, उन्हों असी कहांगे
क्रॉस पोलीनेशन है। हुण क्रॉस पोलीनेशन वास्ते कुछ कंडीशनस चाहिए जिन्हों तो बिना क्रॉस पोलीनेशन नहीं होंगी। ठीक है, पहला आप कंडीशनस डिस्क्राइब कर लवेंगे। कंडीशनस के नंबर वन इज यूनीसैक्सुअलिटी और दूजा नाम यदा डिकलाइनी। ठीक है, क्रॉस पोलीनेशन ता होएगी जे साढ़े को यूनीसैक्सुअल जड़े आ फ्लावर वो होंगे। हुण इहदे विच साढ़े को नैक्सट दो तरह के इंडिविजुअल आ जाते हैं। यूनीसैक्सुअल कंडीशन दे विच साढ़े को अगे दो कंडीशन ने, एक हैगे ने मोनीशियस प्लांट। मोनीशियस प्लांट जिवें कि मेज़ आ जाता है। मेज़ दे विच की हुंदा है, सेम ही प्लांट ते दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हुंदे आ, बट डिफरेंट उन्हां दी लोकेशन इज़ डिफरेंट। जिवें तुसीं मेज़ विच देखिया होएगा कि उहदा जिहड़ा आपां ब्राउन हेयर वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक है, मेज़ दे विच ओ वाले उहदे स्टाइल्स हुंदे ने, इट मीनस उतना दे उपर स्टिगमा हुंदा होएगा, एंड जिहड़ी उहदी एंथर्स हुंदे ने ओ प्लांट दे टॉप ते हुंदे आ। ठीक है, मोनीशियस कंडीशन आ गई जिहदे विच प्लांट एक ही आ, बट उहदे विच मेल जिहड़ा आ उहदी पोजिशन डिफरेंट आ, जिहड़ी फीमेल आ उहदी पोजिशन डिफरेंट आ। इट मीनस इहदे विच क्रॉस पोलीनेशन दे चांसिस जिहड़े आ ओह वध जांदे आ। सैकेंड इज़ डायोशियस कंडीशन, जिहदे विच आपां कैरिका पपाया देख लैंदे आ, पपाया जिहड़ा पपीता नॉर्मल, उहदे विच की आ कि जिहड़े दोनों मेल ते फीमेल ऑर्गनस हुंदे ने ओह दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ते हुंदे ने। एक प्लांट जिहड़ा ओह प्योर मेल प्लांट होएगा, दूजा प्लांट जिहड़ा ओह प्योर फीमेल प्लांट होएगा। इज इट मीनस उन्हां विच सैल्फ पोलीनेशन दे चांसिस जीरो होणगे। ठीक है, ये सी साडी फस्ट कंडीशन। सैकेंड कंडीशन इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब कि जिहड़ा स्टेमन एंड कार्पल दे मैचुरेशन दा टाइम आ ओह डिफरेंट आ। डिफरेंट टाइमिंग ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्टेमन एंड कार्पल कि जिहड़ा स्टेमन आ ओह वक्रे टाइम ते मैच्योर करेगा ते जिहड़ा कार्पल आ ओह वक्रे टाइम ते मैच्योर होएगा। इहदे विच वी साडे कोल अगे दो कंडीशन ने, नंबर वन इज़ प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। एंड्री वर्ड डिनोट कर रहा एंड्रोशियम मेल, गाइनी मतलब फीमेल। इहदे विच की होएगा प्रोटोएंड्री कंडीशन दे विच जिहड़ा आ ओह मेल जिहड़ा होएगा ओह मैच्योर होएगा पहला। मेल मैच्योरस फस्ट एंड इन प्रोटोगाइनी फीमेल मैच्योरस फस्ट। ठीक है, जे एक ही फ्लावर आ उहदे विच मेल पहला मैच्योर कर रहा तो फीमेल मैच्योर नहीं आ तो उत्थे सैल्फ पोलीनेशन नहीं होएगी, क्रॉस होएगी। तो जे फीमेल पहला मैच्योर कर रही आ, मेल मैच्योर नहीं हो रहा, उस कंडीशन भी साढ़े कोल जिहड़ी आ ओह क्रॉस पोलीनेशन ही होएगी। इहदी थर्ड कंडीशन देख लैंदे आ अगे। थर्ड वन इज हरकोगैमी। हरकोगैमी इहदे विच हुंदा है कि कोई भी इहो जिहा मकैनिकल बैरीअर आ जाए स्टेमन ते कार्पल दे विच जिहदे करके जिहड़ी आ सैल्फ पोलीनेशन ना हो पाए। ठीक है, जी आपां डेफिनेशन लिख लैंदे आ, प्रेजेंस ऑफ मकैनिकल बैरीअर बिटवीन स्टेमन एंड कार्पल। स्टेमन एंड कार्पल एक कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है, कोई भी आउटग्रोथ हो सकती है, जिवें कैलोट्रोपिस दे विच सानू देखण नू मिलदी है। कैलोट्रोपिस आपां लास्ट भी पढ़िया सी, अक जिहनू कह दिंदे आ। फोर्थ कंडीशन हुण कीड़ी है जिहदा करके क्रॉस पोलीनेशन हुंदी आ, हैट्रोस्टाइली। इहदा नाम दस रहा, हैट्रो मीनस डिफरेंट, स्टाइली मीनस स्टाइल जिहड़ा फीमेल स्टाइल। हुण इहदे विच की आ साडे कोल, इहदे च फिलामेंट आ सकदी आ स्टेमन दी एंड स्टाइल दी, लेंथ जिहड़ी आ इहदे विच वेरिएबल लेंथ ऑफ
फिलामेंट ऑफ स्टेमन, एंड स्टाइल। ये साढ़े को दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। वेरिएबल लेंथ किमें हो सकती है, सपोज के साथ को वाला स्टिग्मा है, स्टाइल है, यह ओवरी है, ठीक है। जे मेल जे फिलामेंट आ उन्हां दी लेंथ इतों तक ही है, सिर्फ इन्नी है, शॉर्टर लेंथ दे एज कंपेयर टू फीमेल। इस कंडीशन दे विच हुण एंथर इत्थे आ, स्टिग्मा इत्थे आ, ठीक है। तो पोलीनेशन जी सेल्फ पोलीनेशन नहीं हो पाएगी, ये कंडीशन है एक। तो दूजी कंडीशन आ, सपोज के फीमेल जी स्टाइल आदी लेंथ छोटी आ, बट जे मेल एंथरस ने वो बेंड होए हुए आ साइड वालों, ठीक है, साइड वाल बेंड होए हुए आ, उस कंडीशन च भी साढ़े को जी क्रॉस पोलीनेशन ही होएगी, बिकॉज सेल्फ के चांसिस जोड़े आिक्रीज हो जाएंगे। फिफ्थ कंडीशन साढ़े को आ जाती है सेल्फ स्टरलिटी और इनकंपैटिबिलिटी। सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी बोल देंगे या सेल्फ स्टरलिटी बोल देंगे, ये की होंगे कि जोड़ा पोलन आ वो अपनी ही फ्लावर के स्टिग्मा वास्ते कंपैटिबल नहीं होंगे। सिंपल लैंग्वेज जो असं समझना चाहिए कि जे एक ही फ्लावर आदा जोड़ा ए वाला मान लो स्टिग्मा आ, ठीक है, ए वाले एंथर आ, ये वाले एंथर अपने स्टिग्मा ते जर्मीनेट नहीं करनगे, बट जे किसी होर प्लांट ते जानगे, किसी होर फ्लावर ते जानगे, ता उत्थे जर्मीनेट करनगे, ठीक है। यही जी कंडीशन नूं आपां कहिंदे आ सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी। पोलन ग्रेन फेल्स टू जर्मीनेट, फेल्स टू जर्मीनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है, हम जिहड़ा स्टिग्मा आ अपने ही उहदे फ्लावर दा, उहनां ते वो फेल हो जांदे आ जर्मीनेट करन तों, इस करके इहदे विच बहुत सारियां कंडीशनस आ जांदियां आ, उन्नियां तुहाडे सिलेबस है नहीं। जेनेटिकल कुछ रीजनस हो सकते आ या कुछ कैमिकल्स हो सकते हैं स्टिग्मा के उपर, जिन्हों की वजह के नाल अपने ही स्टिग्मा ते जर्मीनेट नहीं कर पाते जिहड़े है पोलनस। अगे आप करांगे इहदियां एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पोलीनेशन। इहदियां जिहड़ियां एडवांटेजेस होणगियां वो सैल्फ दे, जिवें आपां सैल्फ च कीता सीगा कि उहदे विच पेरेंटल करैक्टर रहिंदे आ, प्रिजर्व रहिंदे आ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਜੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਵਰਾਇਟੀਜ਼, ਨਿਊ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਜੀਨਸ। ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਿਊ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਐਂਡ new varieties and new combinations of characters are produced। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਜੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਜੀਨ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੈਟਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਲਾਵਰ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਫਲਾਵਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੋਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਗਰ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ
हाइब्रिड विगर। नेक्स्ट आ गई डिसएडवांटेज, नुकसान भी है गे ने दे कुछ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੈਲਫ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਓਰਰ ਮੈਥਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸ਼ਿਓਰਰ ਮੈਥਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸ਼ਿਓਰਰ ਮੈਥਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੀਚ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਪਾਇਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਦੋ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੂਟ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੋਲਨਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਰੀਚ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸ਼ਿਓਰਰ ਮੈਥਡ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪੋਨ ਏਜੈਂਟਸ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਏਜੈਂਟਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਏਜੈਂਟਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਨੋਟ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਫੋਰ ਪਲਾਂਟਸ। ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਮੈਥਡਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪੋਲੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਲਸ ਦਾ ਕਲਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਫੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਏਜੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਅਨੀਮੋਫਿਲੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲੀ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਆਰਨਿਥੋਫਿਲੀ, ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਐਂਟੋਮੋਫਿਲੀ, ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਕਾਇਰੋਟੈਰੋਫਿਲੀ, ਸਿਕਸ ਇਜ਼ ਮੈਲੈਕੋਫਿਲੀ, ਸੈਵਨਥ ਇਜ਼ ਮਿਰਮਿਕੋਫਿਲੀ, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਥਰੋਫਿਲੀ। ਐਂਥਰੋਫਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਫਲਾਰ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ। ਐਨੀਮੋਫਿਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਐਨੀਮੋਫਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ ਏਅਰ, ਏਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨੀਮੋਫਿਲੀ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲੀ, ਬਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਬਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰਨੇਥੋਫਿਲੀ। ਐਂਟੋਮੋਫਿਲੀ ਜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੀਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਾਇਰੋਟੈਰੋਫਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਟਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ। ਮਲੈਕੋਫਿਲੀ ਜੇ ਸਨੇਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਸਨੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨੇਕ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਡੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਰਮਿਕੋਫਿਲੀ ਜੇ ਆਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਂਟਸ ਐਜ਼ ਅ ਏਜੰਟ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਨੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਥਰੋਫਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਥਰੋਫਿਲੀ ਆ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ।
कंट्रोल्ड पॉलिनेशन एंड इट इज़ आर्टिफिशियल, प्योरली आर्टिफिशियल। ठीक है, कोई नैचुरल मैथड नहीं है, बाकी जिन्या भी साढ़े को ने वह सारिया नैचुरल मैथड ने। हुण इहदे विचों जिहड़ियां साडे कोल वाटर ते एयर वाली पोलीनेशन आ, इह हैगी आ जिहदे विच कोई ऑर्गेनिज़म इनवॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, जिहड़ियां इह बायोटिक एजेंसीज जिहड़ियां वह कम कर रही ने। बाकी जे असीं बर्ड्स की इनसैक्ट बैट स्नेल आंट्स की गल करिए तां उह साडे कोल एक तरह की ज़ूफिली आ। इह सारियां जिहड़ियां साडे कोल टाइप्स ने इह ज़ूफिली आ। ज़ूफिली मतलब एनीमल्स इनवॉल्व हो रहे आ, एनीमल एज अ एजेंट कम कर रहे हैं पोलीनेशन कराने लिए। हुण आपां इन्हां दे सारिआं दे करैक्टरिस्टिक देखांगे कि एयर दे थ्रू पोलीनेशन होनी आ या वाटर दे या बर्ड इनसैक्ट दे थ्रू, ते फ्लावर दे विच कीड़ियां कीड़ियां कंडीशनज दा होना जरूरी है।